दोस्तों नोज ब्लीडिंग यानी नाक से खून क्यों आता है, इसके कुछ कॉजे जानेंगे और इसका कैसे हम उपचार कर सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसको बोलते हैं इप्टेटिक्स, ठीक है, नोज ब्लीडिंग यानी नाक से खून आना। अक्सर देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चों को भी या वयस्कों को भी या बुजुर्ग लोगों को भी नाक से ब्लीडिंग आता है तो काफी परेशान महसूस होते हैं, क्योंकि हमेशा नाक से ब्लड निकलना भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो होता है ट्रोमा के कारण भी ब्लीडिंग आ सकते हैं। दूसरा जो है इंजुरी यानी किसी प्रकार का चोट लग गया तो भी नाक से ब्लीडिंग हो सकता है। या इंसर्ट फॉरेन पार्टिकल यानी बाहरी किसी प्रकार का पार्टिकल जो है अगर आपके नोज में इंसर्ट कर जाता, प्रवेश कर जाता है तो भी आपके नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा किसी गंभीर स्थिति में चोट लग जाना, ठीक है, या नाक सूखा पड़ जाना, अगर सूखा भी रहेगा तो भी ब्लीडिंग छिल जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हमेशा खुजली होता है, इचिंग होता है, ये सारी एलर्जी के भी लक्षण हो सकते हैं, जो आपको किसी एक सबस्टांस से एलर्जी होगा जिसके कारण जो है नाक से हमेशा ब्लड आएगा, तो उन चीजों को दूर रखिएगा। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इससे तुरंत राहत पाने का जो है सबसे आसान तरीका है आइस क्यूब लेकर के अपने नोज के बाहरी हिस्सा पे हल्का सा रोटेट कीजिएगा तो क्या होगा, ब्लड क्लट होने में यानी ब्लड जमने में काफी जल्दी आपको सहायता मिलेगा और इससे आपका ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। जी क्योंकि अक्सर जो होता है जब स्टडी टाइम होता है, जब बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उस समय जो है खेलते समय भी नाक पे चोट लग जाती है, जिसको नर्वस सिस्टम यानी विनाश भी इसको बोलते हैं, तो इस पे चोट लग जाती है जिसके कारण ये आगे चल के पता चलता है कि हाँ बचपन में चोट लगी थी और इसके कारण जो आज भी ये परेशानी झेलना पड़ रहा है, खून आ रहा है। और अधिक के लिए जो है ये प्रॉब्लम पे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो पता चलेगा कि आखिर ब्लड क्यों आ रहा है बार बार। तो दोस्तों कुछ माइनरी जो होता है आपका कॉजेज यही होता है, इसी के कारण आता है, तो आप इसको जो है आप ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, आइस क्यूब के द्वारा ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं।